इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, डिलीवर्ड हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप रिटर्न करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है रिटर्न रिजेक्टेड। अब ये जो है रिटर्न रिजेक्टेड, ऐसा नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट डैमेज हो गया है या बंदा लेने आया है और उसके बाद वो मतलब कि उसने डैमेज देखा है तब उसे रिजेक्ट किया है या किसी और रीज़न की वजह से। कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि आप कुछ डिलीवरी ज़्यादा मंगा लेते हैं और उसको रिटर्न भेजते हैं बार बार बिना मतलब की ही, तो कभी कभी यहाँ पर फ्लिपकार्ट समझ जाता है कि स्कैम हो रहा है ये। और इसमें फ्लिपकार्ट का कोई घाटा नहीं होता उसकी तरफ से, आओ या जाओ, बट हाँ जो फ़ायदा होता है वो नहीं होता है, ठीक है, घाटा नहीं होता तो फ़ायदा भी नहीं होता है, लेकिन जो सेलर होता है उसका घाटा घाटा होता है यहाँ पर। तो आपको ये समझना चाहिए कि बिना मतलब कि यहाँ पर रिटर्न नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ऑटोमेटिक रिटर्न रिजेक्टेड हो जाता है तो इसमें इश्यू यही रहता है कि कोई ज़्यादा प्रोडक्ट मंगा लेते हैं हम और उसके बाद हम ज़्यादा प्रोडक्टों को रिटर्न भेजते हैं, रेगुलरली रिटर्न भेजते हैं बिना मतलब की ही, और वहाँ पर चेकिंग भी होती है और तब भी रिटर्न आता है, तो सिचुएशन में ये रिटर्न को रिजेक्टेड कर देते हैं। तो आपको कुछ प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करना है एंड अदरवाइज़ आपको कुछ प्रोडक्ट को आगे रख लेना है। अगर वो गलत होते हैं तो ही आप जो है उन्हें भेजिएगा, अगर डिफेक्टेड या फिर अलग रहते हैं तो तभी भेजिएगा, अदरवाइज़ आप भेजते हैं ज़्यादा ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम इस तरीके से आ जानी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पर एक आध प्रोडक्ट मंगाइए तो आपको कोई इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।